दोस्तों, हम एक एक वीडियो बनाने में कई कई घंटों की मेहनत लगाते हैं, लेकिन क्या होता है जब कभी हमारी वीडियो सर्च करने पर भी यूट्यूब पर हमारे नज़र नहीं आती है। बहुत दिल दुखता है दोस्तों, क्योंकि हम कई घंटे लगाकर एक एक वीडियो को रैंक कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी हमारी वीडियो फ्रीज हो जाती है, कभी उसके टैग काम नहीं करते, इसीलिए वो सर्च में नहीं आती है, कभी YouTube उसे दूसरों को रिकमेंड नहीं करता है। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो का SEO कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल से, और वो भी बहुत आसानी से, जिससे कि आपके टैग काम कर रहे हैं या नहीं, यानी कि रैंक कर रहे हैं या नहीं, आप वो भी जान सकते हैं। आपको टाइटल क्या रखना है, टैग कौन से लगाने हैं, ये सब बताऊंगा सिर्फ इसी वीडियो में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आ जाए दोस्तों तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सबसे पहले दोस्तों हमें चले जाना है अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके, हमें एक ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है VidIQ। बहुत से लोगों ने इसे डाउनलोड भी किया हुआ है, लेकिन उन्हें चलाना नहीं आता। जब दोस्तों आप इसे डाउनलोड कर लोगे तो आपको ऊपर एक लोगो का निशान नज़र आएगा, यहाँ पे आपको उस पर क्लिक करके अपने आईडी से, यूट्यूब वाले आईडी से इसे लॉगिन कर लेना है। उसे लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे नीचे आपको पांच ऑप्शन देखने को मिलेंगे दोस्तों। पांच ऑप्शन में सबसे पहला है आइडिया, दूसरा है कीवर्ड, तीसरा है ऑप्टिमाइज, फिर जनरेट, फिर टुडे। इन सभी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, जिसकी मदद से आप अपनी वीडियो को काफ़ी अच्छे तरीके से रैंक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है आइडिया। जब आप आइडिया पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये आपको रोज़ के तीन आइडिये शो करता है कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। आपको ज़्यादा अपने दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद जो हाई वॉल्यूम वाली वीडियो होती है, यानी कि जो ज़्यादा सर्च की जाती है, वेरी हाई वाली, मीडियम वाली, देखिए ये खुद सजेशन करता है, रोज़ के तीन टॉपिक बता देता है आपको कि आप किस टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं जो कि ज़्यादा सर्च हो रहे हैं। तो आप यहाँ से उसका टॉपिक ले सकते हैं, जैसे कि मैंने इन सबको सेव कर रखा है, जैसे कि आधार कार्ड डाउनलोड कैसे करें, इसने मुझे दिखाया है कि व्यू प्रोटेक्शन जो है मीडियम है, उसके नीचे सिर्फ 24 घंटे में आधार कार्ड से नया लेबर कार्ड कैसे बनाएं, उसका सर्च वॉल्यूम दोस्तों बहुत ज़्यादा वेरी हाई है। अगर आप इस सब टॉपिक पे वीडियो बनाते हो तो जाहिर सी बात है कि आपकी वीडियो वायरल होने के चांस ज़्यादा हो गए। और इसमें ये आपको खुद सजेशन करता है कि वीडियो कैसी बनानी है। जैसे ही समझ लो आप किसी टॉपिक पर क्लिक करते हो, ये नीचे आपको उस टॉपिक के हिसाब से नीचे वीडियो शो करने लगेगा। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है कीवर्ड। मान लो हमने यहाँ से अपना कोई टॉपिक चूज़ कर लिया है, फिर हम कीवर्ड में जाते हैं। कीवर्ड में जाने के बाद आपको जो आपने टॉपिक चूज़ किया है उस टॉपिक को यहाँ पे कीवर्ड डालना है। जैसे कि मान लो मैं डालता हूँ पैन कार्ड कैसे डाउनलोड करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैन कार्ड कैसे डाउनलोड करें। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने अपना कीवर्ड यहाँ पे डाला है, इसने मुझे और बहुत सारे कीवर्ड सजेस्ट कर दिए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया है पैन कार्ड कैसे डाउनलोड करें, तो उसने मुझे कई सारे कीवर्ड सजेशन कर दिए है, जैसे कि पैन कार्ड कैसे डाउनलोड करें मोबाइल से, पैन कार्ड कैसे डाउनलोड करें आधार से, वगैरह वगैरह। अब आपको क्या करना है, इस कीवर्ड को सर्च करना है। जैसे ही आप इस पर सर्च करोगे तो यहाँ पे देखिए ये इसका सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन और ओवरऑल स्कोर बताता है। तो दोस्तों जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो और कॉम्पिटिशन कम हो तो उसका ओवरऑल स्कोर खुद ब खुद बढ़ जाता है। आप ऐसे ही कीवर्ड को अपने टैग के लिए, टाइटल के लिए
और डिस्क्रिप्शन के लिए इस्तेमाल करें जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो और ओवरऑल स्कोर भी ज़्यादा हो और कंपटीशन कम हो, जैसे कि नीचे ये हमें सजेस्ट कर रहा है। ये पैन कार्ड डाउनलोड कैसे करें, तो दोस्तों इसका देखिए 50% ओवरऑल स्कोर है, सर्च वॉल्यूम 53 और कंपटीशन मीडियम है। दोस्तों जैसे कि एक नीचे और ये सजेस्ट कर रहा है कि यूटीआई पैन कार्ड डाउनलोड, जब हम इस पर टाइप करते हैं, क्लिक करते हैं, तो देखिए दोस्तों इसने हमें बताया है कि इसका सर्च वॉल्यूम 52 है, कंपटीशन लो है और ओवरऑल स्कोर जो है इसका 59 है। जब दोस्तों इसका कंपटीशन लो है और सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है तो दोस्तों आपके व्यू भी ज़्यादा ही आएंगे क्योंकि आपके कंपटीशन बहुत कम है। ये इस तरीके से दोस्तों अब आप अपने कीवर्ड को यहाँ से सर्च कर सकते हो और जिसका ओवरऑल ज़्यादा हो, सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो, उस कीवर्ड को आप यहाँ से कॉपी कर ले। कॉपी करने के बाद देखिए यहाँ से पूरे कीवर्ड को कॉपी कर ले, सेलेक्ट ऑल करें, कॉपी कर ले। कॉपी करने के बाद आपको ये याद रख ले कि इसका ओवरऑल स्कोर कितना है, 100 में से 59 है। तो आपको क्या करना है, आपने किसी भी नोट पे जाना है, नोट पे जाने के बाद उसे वहाँ पे कॉपी कर लेना है। यहाँ पे जैसे कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे उसका आगे जो ओवरऑल स्कोर आ रहा था वो लिख देना है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है यूटीआई पेन, देखिए यूटीआई पेन कार्ड डाउनलोड, थोड़ा सा स्पेस देना है और आपको उसका ओवरऑल स्कोर जो था कितना था, कुछ 52 या 53 था, तो मैं यहाँ पे 53 लिख देता हूँ। अब इसी टॉपिक पे आप जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं उसी टॉपिक के कीवर्ड को आपको सर्च करना है, यहाँ पे फिर सर्च करना है, जैसे कि ये पैन कार्ड डाउनलोड, देखिए इसका ओवरऑल स्कोर 58 है, सर्च वॉल्यूम 66 है, कंपटीशन मीडियम है। आपको इस कीवर्ड को भी यहाँ से कॉपी कर लेना है, यहाँ से कॉपी करके अपने नोटपैड में जाना है और नीचे कहीं भी नीचे यहाँ पे पेस्ट करके उसके सामने इसका ओवरऑल स्कोर 58 रख लेना है। तो याद रखिए दोस्तों, जिसका ओवरऑल स्कोर ज़्यादा हो, सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो, आप ऐसे कीवर्ड को अपने टाइटल में और टैग में यूज़ करें, इससे आपकी वीडियो रैंक काफ़ी अच्छी तरीके से होती है। उसके बाद आता है दोस्तों ऑप्टिमाइज। देखिए दोस्तों जैसे ही हम ऑप्टिमाइज पे क्लिक करते हैं तो हमारी जितनी भी यहाँ पे वीडियो हमने अपलोड की है यूट्यूब पे, ये उसे शो करता है और इसका ओवर CSEO बताता है। जैसे कि मैं अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे मैंने एक वीडियो अपलोड की है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए इसने मुझे बताया है कि मेरा इसका SEO जो है 50%, यानी कि 50 में से 50% हुआ है। यहाँ पे ये आपको एक टाइटल सजेस्ट भी करता है, अगर आप ये टाइटल लेना चाहते हो तो आप ये टाइटल को यहाँ से अपने ये जो टाइटल है इसको आप खाली क्लिक करोगे तो आपके सजेस्ट में चले जाएगा, यहाँ से आपका टाइटल भी आ जाएगा। आप यहाँ से अपने थंबनेल जो है वो भी चेक कर सकते हो। देखिए ये जो हमारा थंबनेल है, थंबनेल भी यहाँ पे ये शो करता है। जब आप इसे अनलॉक बूस्ट पर क्लिक करते हो, मतलब इसका सब्सक्राइब प्लान लेते हो, तो ये आपको और भी बहुत सारे चीज़ें अपडेट करके दिखाता है जिससे कि आपका SEO करने में बहुत आसानी मिलती है। अब है दोस्तों मेन डिटेल्स। जब आप डिटेल्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये आपको डिस्क्रिप्शन दिखाएगा, उसके नीचे आपने जो अपने वीडियो में कीवर्ड लगाए हैं वो कितने नंबर पे रैंक कर रहे हैं ये यहाँ से शो करता है। देखिए मैंने अभी अभी ये वीडियो अपलोड की है और ये देखिए मेरा कीवर्ड जो है 165 नंबर पर रैंक कर रहा है, 141 पे, 143 पे, 149, 148, 154, 160 पे। अगर दोस्तों मैं इसका SEO यानी कि कीवर्ड को और अच्छे से सर्च करके करूं तो ये जाहिर सी बात है मेरी ये वीडियो और ऊपर रैंक करने लगे। तो और नीचे दोस्तों
स्क्रॉल डाउन करने पर जब आप देखोगे तो ये खुद से भी रिकमेंड करता है बहुत सारे कीवर्ड जिसका ओवरऑल स्कोर काफ़ी अच्छा होता है। देखिए जैसे नीचे इसने दिया हुआ जिसका 64, 60, 58, 59, 57 ऐसे से ओवरऑल स्कोर है। अगर आपको इनमें से कोई कीवर्ड अपनी टैग में लगाने हैं तो बस आपको उस पर क्लिक करना है और ये ऑटो में आपके टैग में ऐड हो जाएगा, फिर आपको इसे पब्लिश कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आता है SEO। SEO में देखिए दोस्तों ये यहाँ पे सब कुछ आपका डाटा जो आपने बनाया है वीडियो में, आपने टैग कितने लगाए हैं, टैग वॉल्यूम और कीवर्ड इन टाइटल ये सब यहाँ पे शो करता है। यानी कि देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जी हाँ दोस्तों SEO का फुल फॉर्म यही है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे ये दिखाता है कि आपके टैग 5 में से 5 पर, टैग वॉल्यूम जो है 5 में से 5 है, कीवर्ड इन टाइटल यानी कि हमने जो कीवर्ड टाइटल में लगाए हैं वो टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और उसका कीवर्ड बनाना है वो सब लगाना है, ये वही सब बताता है। उसके बाद हमारे परफॉर्मेंस देखिए, हमारे कीवर्ड यानी कि रैंक कर रहे हैं। नीचे देखिए हमारे सर्च, जो हमारे सर्च वाले कीवर्ड जो हमने टैग लगाए हैं वो भी रैंक कर रहे हैं। अगर दोस्तों और भी कुछ चेक करना है तो आप चेकलिस्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पे ये बताता है कि आपका जो टाइटल की लेंथ होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 60 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने कैरेक्टर की टाइटल की लेंथ जो है 64 कर दी है, इसलिए यहाँ पे ये रेड दिखा रहा है। उसके बाद नीचे ये दिखाता है डिस्क्रिप्शन की लेंथ 5000 वर्ड की होती है, तो आप 5000 वर्ड तक इसमें ऐड कर सकते हैं। टैग की लेंथ जो है 500 वर्ड की होती है, आप इसमें 500 वर्ड तक ऐड कर सकते हैं। और नीचे आपको ये जो ग्रीन ग्रीन दिखा रहा है यानी कि ऐड वन टैग इन टाइटल और ऐड वन टैग इन डिस्क्रिप्शन, अगर मैं एक टैग को टाइटल में ना लगाऊं तो ये रेड हो जाएगा यानी कि हमारा SEO सही नहीं होगा। अगर मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं लगाऊं तो डिस्क्रिप्शन वाला टिक मार्क जो है वो रेड हो जाएगा। नीचे आप 15 हैशटैग लगा सकते हैं, ये भी वो दिखा रहा है, तो मैंने सिर्फ 2 हैशटैग लगाए हैं, यही इसमें ये ग्रीन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं दोस्तों जनरेट। ये जनरेट इसमें एक नया फीचर आया है यानी कि आपको अगर कोई वीडियो बनानी है किसी, अगर दोस्तों आपको किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो बनानी है तो बस आप अपना यहाँ पे टाइटल लिख दीजिए। मान लो मैं कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे पैन कार्ड डाउनलोड, जनरेट पे क्लिक कर दीजिए। कुछ ही सेकंड में दोस्तों ये आपको कस्टमाइज़ करके दे देगा, ये आपको टाइटल, थंबनेल और आपको हुक, आउटलाइन, स्क्रिप्ट पूरा पूरा आपको तैयार करके दे देगा। देखिए कुछ ही सेकंड लगता है और ये आप, इसने अपना प्रोसेस पूरा कर दिया। देखिए दोस्तों हमने सिर्फ यहाँ पे लिखा है पैन कार्ड डाउनलोड, इसने कस्टमाइज़ कर दिया है, इसने अपने हिसाब से एक हाई स्कोर वाला टाइटल दिया है हमें जिसका ओवरऑल स्कोर 79 है वो दे दिया है। थंबनेल हमें खुद से बना कर दे दिया है, हमें हुक भी दे दिया है कि हम अपने पब्लिक को कैसे अपनी वीडियो में रुका के रखें, आउटलाइन कहाँ क्या बोलना है। देखिए जैसे कि इसने 15 सेकंड तक यहाँ पे कैसे पब्लिक को रुकाना है, अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, इसने सब इसमें लिख कर दे दिया है कि आप 15 सेकेंड के लिए कहाँ पर आपको क्या बोलना है। लास्ट में जाके दोस्तों इसने एक पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पर तैयार कर दी है, ये देखिए जो आपकी वीडियो में आपको बनानी है इसने पूरी स्क्रिप्ट एक लिख के दे दी है यहाँ पे। बस आपको या तो आप AI का इस्तेमाल करके इससे वॉइस बुलवा सकते हैं या आप खुद पढ़कर इसे वॉइस ओवर कर सकते हैं और आपकी वीडियो तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में जैसे मैंने SEO करना बताया है, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ऐसा करके अपनी वीडियो को काफ़ी अच्छे से रैंक करेंगे। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।